हरे कृष्णा राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ कर रही हूँ तैयारी, सारा सामान इकट्ठा करके रख रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर, क्योंकि हरियाली तीज है और हरियाली तीज की तैयारी में लगी हूँ। क्या क्या तैयारियाँ करूँगी सब आप देखिएगा आगे ब्लॉग में। और सबसे पहले तो घेवर की रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। आज मैं घेवर की रेसिपी, मलाई घेवर की रेसिपी शेयर करूँगी परफेक्ट माप के साथ, जो आप बनाएंगे तो पहली बार में ही आप फटाफट से घेवर को बना लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है घेवर बनाना, सच बताऊँ बड़े मज़े आते हैं बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है चीनी, क्योंकि हम बना रहे हैं सबसे पहले चाशनी। चाशनी को ठंडा करना है इसलिए, तो पहले चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक कटोरी चीनी ली है और एक कटोरी ही लिया है मैंने इसमें पानी। ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं होता है, इस चाशनी में कोई तारवार नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा होता है कि अच्छे से उबल जाए और एक चिपक आ जाए अच्छी सी, उतना ही हमें इस चाशनी को जो है पकाना होता है। अच्छा, चाशनी आप कैसे बनाएंगे, जितना आपके पास भाई, जितना आप घेवर बना रहे हैं, मैं आज आप यहाँ आपको यहाँ 250 ग्राम मैदा से घेवर बनाना बता रही हूँ परफेक्ट माप के साथ, एकदम मतलब बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ठीक है, यहाँ पे बस मैं देख रही हूँ कि अच्छे चिपक आई है कि नहीं, तो बस यहाँ पे अच्छे से चाशनी हमारी जो है वो बन गई है और गैस को कर देंगे यहाँ बंद, चाशनी ठंडी हो जाएगी। तो कि चाशनी हमारी बन गई, अब हम करते हैं घेवर की तैयारी। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है 50 ग्राम घी, तो इस घी को हमें अच्छे से गर्म करना है, ऐसे नहीं लेना है, खूब अच्छे से इस घी को हम गर्म कर लेंगे गैस पर रख करके। देख सकते हैं घी जो है वो बहुत अच्छे से धुआं देने लगा है, इतना गर्म हो गया है। अब हमें यहाँ इस घी को एक बर्तन में लेना है, बर्तन आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है जिसमें कि अच्छे से ये सारी चीज़ें ना मैदा वगैरह हम मिक्स करेंगे तो मतलब अच्छे से मिल जाए। तो परात ले लें या अच्छा सा बड़ा भगोना ले लें, जो भी हो आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है बर्फ़। अच्छा, मेरे यहाँ क्या हुआ था ना, बर्फ़ जो है लाइट चली गई थी, जमाई थी मैंने, पर हाँ जम गई, मेरा काम चल गया था उतना था। तो यहाँ इस तरह से बर्फ़ आपको ले लेनी है, आइस क्यूब भी ले सकते हैं और जैसी भी आइस हो वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गर्म घी में इस बर्फ़ को डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है घी में, जब तक कि ये एक बटर जैसी फॉर्म में ना आ जाए, घी हमारा वाइट एकदम से ना दिखने लगे और एकदम बटर जैसा ना हो जाए, तब तक आपको इस घी को हमें फेंटना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फेंटती जा रही हूँ, क्योंकि यही जो आपके घेवर को अच्छा और जालीदार परफेक्ट बनाएगा ना, ये बैटर ही होता है। जब तक बैटर अच्छा नहीं बनेगा तब तक घेवर आपका अच्छा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट होता है वो घेवर बनाने का, वो बैटर ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है घी हमारी बटर की फॉर्म में आ चुका है, बस थोड़ी देर के एक मिनट में ही बस हमने इस बर्फ़ को मला इस घी में और यहाँ पे घी हमारा अच्छे से बटर जैसा हो गया है। तो जी बस अब हमें जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है ना उसको निकाल देना है, यानी जो भी पानी है इसमें उसको हम अलग कर देंगे इस बटर से। यहाँ देखिए मैंने अलग निकाल दिया है और जो भी पानी है ना एक्स्ट्रा उसको भी हम इसमें से निकाल देंगे। बस अब हमारा यहाँ ये काम तो कम्प्लीट हो गया, यानी घी हमारा इस टाइप का हो गया। अब हमें क्या करना है, घी को, इस वाले घी को अच्छे से फेंटना है हाथों से लगभग 4 से 5 मिनट। जब तक फेंटना है तब तक कि घी जो है वो फ्लफ़ी ना हो जाए, एकदम से ना हल्का हो जाता है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी। 2 से 4 या 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से फेंटेंगे, उतने में ही ये हो जाएगा। तो बस इसको हाथों से ही इस तरीके से फेंट सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी वो मैंने की थी मिक्सर जार में जो है इसको फेंटना, सारा जो बैटर वगैरह मिक्सर जार में बनाना बहुत जल्दी बन जाता है, तो वो भी आप रेसिपी जो है देख सकते हैं, वो भी घेवर बहुत अच्छा बना था। लेकिन आज मैं आपके साथ ना पूरा परफेक्ट वाला जो हलवाई लोग बनाते हैं उसी टाइप का शेयर कर रही हूँ। तो बस अच्छे से देखिए फेंटते फेंटते मुझे अभी 2 ही मिनट हुए हैं और ये घी हमारा किस तरीके से फ्लफ़ी हो गया है, देखिए बिल्कुल चिकना हो गया और हल्का हो गया है। तो यही कंडीशन है इस घी को मतलब फेंटने की, और इतना ही आपको फेंटना है, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा जब घी एकदम हल्का हल्का सा हो जाएगा, बस उस तरीके से आपको घी को फेंट लेना है। और इसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अब हम इस घी में इस मैदा को मिक्स करेंगे, तो मैदा एक साथ नहीं डालनी है, धीरे धीरे करके डालनी है और धीरे धीरे करके इस हाथों से इसको अच्छे से मिलाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से मिलाते जाना है और अच्छे से मैदा को डालते जाना है। ध्यान रखिएगा आप ना यहाँ पे बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन मैंने कर लिया था काम। लेकिन थोड़ा बड़ा लेंगे ना तो अच्छे से हाथ चला पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने मैदा ली और उसको फिर से मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब यहाँ पे मैंने
लगभग 750 ml की ये बोतल है। मैंने एक नाप करके पानी लिया था, स्टील जो मेरे बोतल है ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ना, चिल्ड पानी है बिल्कुल, 750 ml की बोतल है। तो धीरे धीरे करके हम ये पानी इसमें मिलाते जाएंगे। कुल मिला के हमें ये है कि सारी मैदा ये मिलानी है इसमें, क्योंकि अब घी तो एकदम सूखा सूखा सा हो गया ना, तो आपको यहाँ मैदा मिलाते जाना है और साथ में पानी मिलाते जाना है, उतना उतना मिलाते जाना है कि अच्छे से हम बैटर, लम्स फ्री बैटर जो है वो बना सकें, यानी गांठें वगैरह ना रहें। तो मैदा एक साथ ना डालिएगा, धीमे धीमे करके ही डालिएगा, थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और मैदा मिलाती जा रही हूँ, साथ ही चिल्ड पानी, बिल्कुल आपको चिल्ड पानी लेना है, ध्यान रखिएगा एकदम ठंडा। तो नाप करके आपको मैं बताऊंगी कि कितना पानी मुझे यहाँ पर लगा है, सब कुछ परफेक्ट माप होगा। तो इस तरीके से देखिए मिलाते जाने, सारी मैदा हमने इसमें मिक्स कर ली और अब इसको अच्छे से हमें फेंटना है, यानी कि बिल्कुल भी गांठें ना रहें, इतना हमें इसको बनाना है। तो पहले पानी हम थोड़ा इसलिए मिला रहे हैं कि एकदम से ज़्यादा पानी मिला देंगे तो गांठें जो है ना जो घुटले हो जाते हैं इसमें मैदा के, फूटते नहीं हैं, मतलब मिक्स नहीं हो पाते, और थोड़े में मिलाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल रहे हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं, और पानी आपको कंडीशन चिल्ड ही रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फिर से मिलाएंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाते जाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे बैटर जो है बहुत अच्छे से बन गया है, यानी कोई भी गांठ है इसमें नहीं है। पानी धीरे धीरे करके ही मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब एकदम घुटले जो है उसके एकदम मिक्स हो गए हैं और अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर जो है बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ इसीलिए मैं आपसे कह रही थी बड़े बर्तन के लिए, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े अच्छे से चल नहीं पा रहे थे। आप यहाँ पे विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस देखिए इस तरीके का बैटर आपको यहाँ पर बनाना है, पर अभी ये गाढ़ा है और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है पानी मिला लिया था, लगभग 700 ml मैंने इसमें पानी मिला लिया है, मेरे पास 50 ml लगभग पानी बचा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे पतला ही बैटर आपको रखना है, तो इस तरीके से अभी आपको क्या करना है, इसे हमें छान लेना है, क्योंकि हो सकता है कोई गांठें वगैरह हों, घुटले वगैरह हों घी की, क्योंकि ठंडा चील रहता है ना, तो कभी कभी घी भी रह जाता है या मैदा की गांठें भी रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपको जो है, मैं दिखाती भी जा रही हूँ कि बैटर इस तरीके का होना चाहिए पतला। तो यहाँ पे हमने एक भगोना ले लिया है और ले लिए छलनी, उसमें डाल करके हम इसको ना छान लेंगे, जिससे कोई भी हमारी मतलब गुंजाइश ना रहे इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली। तो यहाँ पे इस तरीके से छानेंगे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना भी घोलने के बाद भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है, ये देखिए ये मैदा है और घी मिक्स होके ना थोड़ा सा रह जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरीके से छान लिया, थोड़ा सा इसमें पानी और मिक्स किया है, तो मुझे यहाँ पर पूरा पानी लग गया था, पूरा 750 ml, यानी 250 ग्राम मैदा में 50 ग्राम घी लगा और पूरे 750 ml मुझे यहाँ पर पानी लगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, पानी मैं और भी डालूँगी इसमें, बाद में डालूँगी। तो इसे हम फिलहाल रख देते हैं फ्रीज़र में, इसको ठंडा ही रहने देना है, अभी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इसको फ्रीज़र में, इतना पानी मुझे बचा था लगभग 50 ml बचा था, तो इसको पानी को भी मैंने बाद में डाल दिया था, उसमें ऐड कर दिया था, यानी पूरा मुझे 750 ml पानी लगा। ठीक है, अब हम तैयारी कर लेते हैं घेवर बनाने की। तो जस्ट बनाने से पहले ही मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है, फ्रिज या फ्रीज़र मतलब बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, कुल मिला के मैंने फ्रीज़र में इसलिए रखा था कि एकदम जल्दी से ठंडा हो जाए, इसलिए, बाकी आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, फ्लैट कढ़ाई होनी चाहिए, मेरे पास फ्लैट तो नहीं थी, पर हाँ ये फ्लैट जैसी ही है, भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और मैंने जाली वगैरह रख ली है घेवर रखने के लिए, यानी सारी तैयारी कर ली है, और यहाँ पे वो पानी जो था ना वो भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, यानी ठंडा पानी बिल्कुल मिला लिया है। और एक तरफ मैंने पानी रखा है जो है चील्ड पानी या बर्फ़ हो तो बर्फ़, मेरे पास बर्फ़ नहीं थी, मैंने वैसे बताया कि पिघल गई थी, थोड़ी बहुत थी, उसी में मैंने इस भगोने को रख लिया है। आपको बैटर को ठंडा ही रखना है, चील्ड रखना है, इसलिए बर्फ़ का यूज़ करें। तो ये मैंने लिया है, मतलब जो सांचे होते हैं ना बनाने की, रिंग जो होती है घेवर बनाने की, ये मीडियम साइज़ की है, मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर के बगल में हलवाई रहते हैं, मैंने उनसे ले ली थी।
तो यहाँ पे उनसे हमने एक रिंग ली थी, मैंने छोटी भी ली थी और ये बीच के साइज़ की। तो यहाँ पे देखिए घी जो है मैंने इसमें कर दिया है और कढ़ाई भारी तले की ली है और ये बीच पे मैंने रख दिया घी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़्यादा नहीं भरना है, यानी जो रिंग है ना उसके आधे तक घी आना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा भर देंगे ना तो फिर वो डालते समय घी फैले, मतलब वो बैटर जो है फैलेगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बैटर जो है इस तरीके का हमें रखना है। और यहाँ पे ये देखिए पहला जो मैंने डाला था एकदम से दूर ऊपर से डाल दिया था तो ये थोड़ा सा निकल गया था, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, हलवाई लोग बनाते तो उसके साथ भी होता है। तो बस आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके बैटर को डालते जाना है और जब बबल इसके चले जाएँ तब आपको दोबारा बैटर डालना है, यानी इस तरीके से देखना है कि जैसे ही ये एकदम बबल बैठ जाएंगे ना उसके बाद आपको फिर से बटर डालना है। बीच में एक आपको कुछ ले लेना है, स्टिक टाइप ले लेनी है, इससे कि आप बीच में इसको में छेद करते हुए जाना है, एकदम से नहीं करेंगे, एक दो बार दो तीन बार डाल के फिर आप इसमें छेद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टिक ले ली है और इससे मैं इसमें छेद करती जा रही हूँ और धीरे धीरे बैटर को डालती जा रही हूँ। और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचाई से ना डालें क्योंकि जो कमी मेरे को थोड़ी सी लगी एक दो घेवर में तो वो मैं आपको इसीलिए बताती जा रही हूँ कि ज़्यादा ऊपर से नहीं डालना है, थोड़े से नीचे से ही डालना है, मतलब जितना मैं डाल रही हूँ उतना ही डालना है अभी आपको। और यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही बबल चले जाएँ उसके बाद से मतलब बंद हो जाए फिर से दोबारा से बैटर डालना है। तो ये पहला घेवर है, तो पहला घेवर थोड़ा सा मेरा पतला बना था क्योंकि आइडिया थोड़ा सा कम रहता है कि कितना हमें डालना है। तो यहाँ पे कम से कम 14 से 15 बार आपको बैटर जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। और ये देखिए पहला घेवर बना तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा पतला था, बस ये था। अब यहाँ पे सेकंड घेवर मैं बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको डालते जाना है। और ये रिंग से क्या होता है ना कि मतलब चारों तरफ फैलता नहीं है, बहुत अच्छे से घेवर जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे बीच में होल भी आप देख पा रहे होंगे, होल भी मैं करती जा रही हूँ। इस तरीके से आपको बैटर को डालते जाना है और घेवरों को बनाते हैं। और सच बताऊँ मुझे ये घेवर बनाने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत मतलब आनंद आता है इसको बनाने में, एकदम बच्चों ऐसा खेल लगता है ना। तो आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे घेवर और अच्छे बनते जाएंगे, ये भी है। पहला घेवर थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन दूसरा घेवर तीसरा घेवर, जैसे जैसे घेवर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घेवर अच्छे बनते जाएंगे। तो अब आपको ऐसे क्या करना है ना, घेवर के ऊपर थोड़ा सा साइड में घी लेना है और डालते जाना है इसके ऊपर, जैसे कि ऊपर से भी सिक जाए। और एक बार आपको फिर जैसे ऊपर से लगेगा सिक गया है तो थोड़ा सा इसको टच करके और ये इसी घेरे से और नीचे की तरफ दबा देना है जिससे कि पूरा ऊपर तक सिक जाए। ये देखिए जब सिक जाएगा तो ये आप इसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सिका है तो मैंने और डाल दिया इसको कि थोड़ा सा और सिक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरीके से सिक चुका है। बस आपको कंडीशन ये है कि घेवर का जो बैटर है वो ठंडा ही रहना चाहिए, अगर गर्म थोड़ा सा भी हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि जैसे घेवर का जो होता है ना बैटर गर्म हो जाता है तो वो बिखरता नहीं है, यानी उसमें जाली नहीं बनती है, वो एकदम बैठ जाता है वहाँ पे, पूड़ी जैसी बन जाती है, वैसा हो जाता है। इसलिए आपको बैटर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस और जो सारे घेवर हैं मैं उनको भी इसी तरीके से बना लेती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बनाइएगा इस रक्षाबंधन या हरियाली तीज, तो खैर ये जाएगा वीडियो तो हरियाली तीज वाले दिन ही जाएगा, उस दिन तो आप नहीं बना पाएंगे, मैं खुद लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पानी जो है वो थोड़ा वैसा हो गया था, मतलब गर्म हो गया था तो मैंने और पानी किया और दोबारा से बटर को रख दिया। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना पानी गर्म हो गया, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप घेवर में देख रहे होंगे ना बीच में जो वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जैसे घेवर की जो बैटर है हल्का गर्म होने लगता है ना, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो बस ये कंडीशन है कि आपको ठंडा ही रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे जो घेवर हैं वो बन चुके हैं, तीन बन गए हैं, चौथा भी बन गया है और मेरे इसमें से कम छः बने थे बड़े बड़े और एक छोटा बन गया था। अब मैंने सोचा एक छोटे जो साँचा है ना उसे ही बना के देखती हूँ, तो ये मैंने निकाला और ये रख दिया इसमें। और इससे भी मैंने एक घेवर जो है वो बनाया था, जो मैंने कहा इसको बना के देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन छोटे में क्या रहता है ना, बन तो जाता है लेकिन छोटा जो है वो थोड़ा सा वैसा रहता है, ठोस बहुत ही ज़्यादा छोटा था ये, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा छोटा बन गया था। तो ये आए थे बाहर से ही देख रहे थे कि कैसे बन रहे हैं, तो कह रहे थे बहुत अच्छा बन रहा है भाई, घेवर तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ और छोटा साइज़ का भी मैंने एक घेवर बना लिया है। अच्छा
अच्छा अब ना एक मैं आपको भगोने में बना के दिखाती हूँ, जैसे जिसके पास सांचे वगैरह नहीं होते तो आप इस तरीके से किसी भगोनी में जैसे भी साइज़ की बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप घी ले लीजिए। पूरा घी नहीं भरना है, आधा ही भरना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप डालते जाइए बैटर को, अपने आप होल कितना अच्छे से बनता जा रहा है। और इस तरीके से घेवर को डालते जाइए और यहाँ पर अच्छे से साइड से क्या करना, चाकू से जब सिक जाए ना पूरा बैटर हो जाए तो चाकू से थोड़ा सा करके इसको नीचे कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से जो है अब सिक जाएगा। तो भगोनी में भी वो जो घेवर है ना बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हर किसी के पास सांचे नहीं होते, मेरे पास खुद नहीं थे, तो ये आप बहुत इजीली भगोनी में बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा घेवर बनता है। ये देखिए आप कितना अच्छा जो है, मैं तो कहूँगी सांचे से भी ज़्यादा ये अच्छा घेवर जो है बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा घेवर, तो लीजिए जी ये तो हो गया तैयार। हेलो एवरीवन, तो देखिए घेवर जो है वो बन गए हैं और इधर मैंने छोंक दिए खिचड़ी, क्योंकि आज खाना में बहुत देर हो गई थी, घेवर बनाने में टाइम लगता है, तो फिर ना मैंने खाना ये बोले ऐसा करो खिचड़ी बना लो, तो आज मैंने खिचड़ी बना ली है। ठीक है, तो ये देखिए इधर घेवर जो है हमारे बन चुके हैं। कितने पीस बने, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बड़ा सा बना है ये वाला, ये मैंने भगोनी में बनाया था ना ये वो वाला है, ये कितना बड़ा बना है देखो। तो ये 5 6 पीस बन गया और एक ये छोटा वाला मैंने बनाया था छोटे वाले में। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है, आहा ये देखो एकदम जालीदार परफेक्ट घेवर, बहुत ही हल्का और बहुत मजेदार घेवर। अभी ना इस पे मैंने चाशनी वगैरह नहीं लगाई है और न ही मावा लगाया है, तो इसका मैं क्या करूँगी ना अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसको पूजा के लिए मुझे रखना है कल के लिए, तो देखती हूँ अगर बच्चे मान जाएंगे काहे में ना तो फिर मैं नहीं लगाऊंगी, अभी सुबह ही लगाऊंगी। चाशनी बनी गई थी, अगर बच्चे नहीं मानेंगे तो फिर मैं इस पर जो है मावा लगा दूंगी, और चाशनी तो बनी गई है कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जी मैंने देखिए खाना पीना खाया, सारे बर्तन किचन वगैरह सब क्लीन होगी, दूध रह गया ठंडे होने के बाद फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ कल के लिए डाल दी है मैंने कावली चने यानी छोले, और कल हरियाली तीज के लिए, और यहाँ सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया, सारे जो है ये घेरे वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। काम तो बहुत सा, राघव कृष्णा से कही मैंने एक बोतल भर दी तो कृष्णा बोतल भर रहा है, और बस यहाँ पे जो है सारे काम फिनिश हो चुके हैं। और अब मैं लगाऊंगी थोड़ी सी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी भी लगानी है फिर पूजा के लिए कल के लिए हरियाली तीज के लिए, तो यहाँ पे मेहंदी लगाने की तो बस कह ही रही थी कृष्णा, और मुझे मेहंदी मिली नहीं थी, जैसे तैसे मुझे एक मेहंदी का पाउच मिला, क्योंकि रात इतनी हो गई थी 11:30 बज गए थे आप देख सकते हैं, जैसे तैसे मुझे एक पाउच मतलब वो कीप होती है वो मिली, आधी अधूरी पड़ी थी, तो मैंने कहा देख लेते हैं लगा लेते हैं, अगर रचेगी तो ठीक, नहीं रचेगी तो ठीक, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर बस हार थक के थोड़ी देर बस मेहंदी लगा के अब मैं आराम से जो है वो सोंगी, और सुबह मैं इस घेवर को तैयार करूंगी। तो अभी फिर मिल रही हूँ आपसे सुबह, क्योंकि पूजा के लिए तैयार किया था तो इसीलिए मैंने कहा अभी मैं तैयार, बच्चों ने फिर ज़्यादा जिद नहीं करी तो मैंने कोई नहीं तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा, इसकी मलाई हम बनाएंगे, ये बहुत इजी तरीका होता है, नहीं तो आप वैसे दूध से भी बना सकते हैं। एक दूध लीजिए 1 लीटर या 2 लीटर जितना भी, उसके बाद आपको दूध को पकाना है अच्छे से, और जैसे एक तिहाई जो है दूध रह जाए उसके बाद आपको उसको गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घेवर लिया और मलाई में मिलाई मैंने चाशनी, जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यहाँ मलाई तैयार हो जाती है। हलवाई लोग ऐसे ही तैयार करते हैं मलाई, तो यहाँ पे मैंने ली है चाशनी, और चाशनी अभी मैं 2 ही घेवर तैयार कर रही हूँ इसीलिए मैंने 2 लिए, बाकी मैं और फिर तैयार, मतलब जब भी खाना होगा तब इनको आप सेक के रख सकते हैं, हम कम से कम 8 से 10 दिन आराम से रखे रहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जो मलाई हमने तैयार की है खोया की वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ये घेवर जो है आप जैसे मैंने बताया आप रख सकते हैं 8 से 10 दिन आराम से, कोई ख़राब नहीं होंगे, और ये बहुत क्रिस्पी थे बिल्कुल भी, मतलब ऐसे लूज़ नहीं पड़े थे। आज ही बना रही हूँ, देखिए अगले दिन मैं इसको तैयार कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैंने इसको कवर करके रख दिया था सीले ना, तो मैंने कुकर में रख दिया था इसीलिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसके ऊपर से मलाई लगाने के बाद चाशनी लगाई, चाशनी लगाने के बाद मलाई लगाई, मलाई लगाने के बाद इस पर थोड़े से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता और चिरौंजी, ही बहुत अच्छी लगती है इस पर, और तो कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बादाम भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे घेवर हमारे हो गए हैं तैयार, तो लीजिए जी ये रेसिपी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, और आप लोग भी बनाइएगा इस रक्षाबंधन पर अपने हाथों से अपने घर का घेवर, बहुत